और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का काम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, यह लगातार पोस्टर के जरिए भी आम आदमी पार्टी कहती आई है। और अब इस चिट्ठी में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री का काम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते हैं। सीधे तौर पर सिसोदिया ने यह बड़ी बात कही है इस चिट्ठी के माध्यम से, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं। सिसोदिया ने सीधे तौर पर सवालिया निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़े किए हैं। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम बेहद ही जरूरी है। बीते दिनों भी पोस्टर वॉर देखने को मिली थी और इसमें भी ये चिंता व्यक्त की थी आम आदमी पार्टी ने। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने जेल से ही देश के नाम चिट्ठी लिखी है। सवाल खड़े किए हैं कि भारत की तरक्की के लिए पीएम पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है और मोदी जी को विज्ञान की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती, शिक्षा का महत्व रत्ती भर भी पीएम नरेंद्र मोदी नहीं समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 60,000 स्कूल बंद किए गए, सीधा आरोप सिसोदिया का। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना बेहद जरूरी है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से और मनीष सिसोदिया की तरफ से बात कही जा रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, देखिए जिस तरह से अब जेल के भीतर बैठे बैठे ही देश के नाम चिट्ठी लिखी है मनीष सिसोदिया ने, सीधे तौर पर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए निश्चित रूप से आप देखिए, ये पहली चिट्ठी नहीं है, इससे पहले पोस्टर पॉलिटिक्स भी हुई थी, उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में अब जो पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेता है, फिलहाल जेल में बंद है, कई आरोपों को वो खुद झेल रहे हैं, लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच उनका एक पत्र आता है और इस पत्र को बाकायदा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल वो ट्वीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब प्रधानमंत्री अपने भाषणों में किसी बात का जिक्र करते हैं, चाहे नाली के गैस से खाना बनाने को लेकर उस चिट्ठी में जिक्र किया गया और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर निशाना साधने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि ऐसे ही बातें अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं मजाक बना, बच्चे उनका मजाक बनाते हैं। तो तमाम बातों का जिक्र जो है वो उस पत्र में लिखा गया है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से पोस्टर पॉलिटिक्स हुई और ये तक लिख दिया गया आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से उस पोस्टर में, और करीब 11 भाषाओं में वो पोस्टर लिखा गया था और कहा गया था कि क्या देश के, भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए और क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी के निशाने पर है और जिस तरीके से उनकी आलोचना की जा रही है, ऐसे में खुद जो आरोप झेल रहे हैं मनीष सिसोदिया, चाहे ईडी वाले मामले में बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बात करें या सीबीआई वाले मामले में बात करें, लगातार कोर्ट रूम में उनकी सुनवाई चल रही है, उन्हें जमानत अभी फिलहाल नहीं मिल पा रही है, वो न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में प्रधानमंत्री की शिक्षा पर उन्होंने एक बार फिर से तंज कसते हुए बाकायदा एक पत्र जो है वो कहीं ना कहीं लिखा है और वो पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बीते दिनों में पोस्टर वॉर देखने को मिली थी और अब ये चिट्ठी लिखी गई है, भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है, सीधे तौर पर सिसोदिया ने कहा है। लेकिन यदि अब इसको लेकर गरिमामय पद पर पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनको लेकर यह टिप्पणी की गई है, तो अगर अब कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है कि जांच एजेंसियों का गलत उपयोग केंद्र सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, आप देखिए जब दिल्ली में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए थे, आपने देखा होगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ के एक पोस्टर सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जाते हैं, और क्योंकि ये जो पोस्टर है वो बकायदा ट्वीट किया जाता है, और उस पोस्टर के दौरान जब दिल्ली में लगाए गए थे तो करीब 2000 से ज्यादा जो पोस्टर है वो दिल्ली पुलिस ने हटाए थे, 138 से ज्यादा FIR दिल्ली पुलिस दर्ज करती है और करीब 6 लोगों को हिरासत में लेती है, हालांकि जमानती धाराएं उन पर लगाती है, तुरंत जमानत मिल जाती है। लेकिन उस पोस्टर के बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी
बीजेपी सरकार और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के निशाने पर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, और इस बार भी जो पत्र में जिक्र किया गया है आपने देखा होगा कि उस पत्र में क्रमशः जिन भाषणों का प्रधानमंत्री के उन भाषणों का जिक्र किया गया है जो अक्सर प्रधानमंत्री जब भी कभी भाषण देते हैं तो प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत नए नए प्रयोग करे, उन्हीं बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में उस पत्र में आप देखेंगी तो क्रमशः इस बात का जिक्र किया गया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और इससे पहले आप देखिए सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेनिंग की तरह कैंपेन चलाया गया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर, और बकायदा उनकी डिग्री पर सवाल कई खड़े किए गए। तो निश्चित रूप से चाहे विपक्ष की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, मोदी सरकार और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी निशाने पर रहती है, लेकिन एक गरिमामय पद होता है प्रधानमंत्री का, ऐसे में उनकी शिक्षा पर सवाल उठाना कितना जायज है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ प्रमाण है, क्योंकि जो जिन चीजों का जिक्र इस पत्र में किया जा रहा है, जो देशवासियों के लिए मनीष सिसोदिया ने लिखा है, उसमें क्या कुछ प्रमाण है, क्या प्रधानमंत्री ने वाकई में गलत बोला है, फैक्ट के आधार पर नहीं बोला है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर उस पत्र में टारगेट किया गया है, निश्चित रूप से देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ जवाब आता है। क्योंकि आपने देखा कि जब पोस्टर पॉलिटिक्स चली थी तो साफ तौर पे बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जवाब दिया था। तो अब इस पूरे मामले में चूंकि जो ये पत्र है, अब पूरी तरीके से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के जो बात करें नेताओं की, उनकी ओर से ट्वीट लगातार किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी से इस पत्र पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी अपना जवाब देती है। और हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। सर, जिस तरह से अब लगातार हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी, अब चिट्ठी भी लिख दी गई है, ये लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, उन्हें विज्ञान की समझ नहीं है। देखिए, जिस तरह मनीष सिसोदिया ने जेल में जो चिट्ठी लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पापों को छुपाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का, देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि कोर्ट पहले ही प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में स्पष्ट कह चुका है और ये लोग बेवजह इस मुद्दे को तूल बना दे रहे हैं, इस मुद्दे पर वो बेवजह चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनका एजेंडा कोई नहीं बचा है, उनके पास आम आदमी पार्टी और जो लोग इस तरह की बातें करें उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ बातें नहीं बची है, और वो अपने पापों को, अपने किए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, ढकने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए पहले भी इस तरह की बातें कर रहे थे और आज भी वही बातें कर रहे हैं। वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में जब से उनकी सरकार आई तब से लगातार वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो घोटाले कर रहे हैं, शराब का घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, हर डिपार्टमेंट उनका घोटाला और भ्रष्टाचार से त्रस्त भरा हुआ है और दिल्ली की जनता उससे त्रस्त है, और वो इस बात के गुनाह को कबूल करने की बजाय, वो पाप जो किया है उसको स्पष्ट करने की बजाय वो मुद्दे को भटका रहे हैं। देश की जनता मोदी जी से बहुत प्यार करती है, मोदी जी ने पिछले 8 सालों में जो देश का विकास किया है वो आजादी के बाद जो 65 साल से उसमें वो विकास नहीं हुआ, जो मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है, देश का नाम विश्व पटल पर सम्मान के साथ आज लिया जाता है, डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र के अंदर देश का नाम आज गौरव के साथ देशवासी ले रहे हैं और विदेशों में भी लिया जा रहा है। इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है, लेकिन ये घटिया मानसिकता वाली सोच के लोग ये देश के अंदर तरक्की नहीं पसंद करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए इस दकियानूसी सोच से ग्रस्त होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल आदेश जी, और ऐसे में दिल्ली की सियासत में इस वक्त पोस्टर पॉलिटिक्स भी देखी जा रही है, लगातार सवाल निशान आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है। मोदी जी को लेकर तमाम जिक्र किया जा रहा है कि मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते, और बड़ा आरोप भी लगाया, कहीं ना कहीं ये सवाल जब खड़े होते हैं और अब अगर कार्रवाई की जाती है तो दोबारा से जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना स्थापना दिवस मनाया, भारतीय जनता पार्टी पोस्टर से, ट्विटर से, सोशल मीडिया से,
गवर्न होने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों से जुड़ी है, हम लोग जमीन की सियासत करने वाले हैं और जमीन पर लोगों को कैसे मदद हो, सेवा हो, इस भाव से काम करते हैं, ना कि हम पोस्टर पॉलिटिक्स करते हैं, ना कि हम ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं। ये जो जैसे नई पार्टियां उगाई हैं ट्विटर और सोशल मीडिया और पोस्टर से, हम लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मोदी जी लोगों को सहूलियत देने के लिए, चाहे वो उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो आवास योजना में मकान देने की बात हो, चाहे लोगों को सुविधा देने के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे हो, एक्सप्रेस वो हो, इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं जो जनता के लिए सेवा का काम करने का काम है, जनता को सुविधा देने का काम हो। इन लोगों की सियासत का अंत समय आ गया है और अब जब अंत समय आ गया तो चीखने चिल्लाने और प्रत्यर्पण जैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को जनता पसंद नहीं करती, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आज भी लोग। एक आखिरी सवाल आदेश जी आपसे ये बनेगा मेरा कि आखिर इन सभी चीजों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या संज्ञान लिया जाना चाहिए? देखिए कानूनी प्रक्रिया जो है वो उसका जवाब कोर्ट ने दे दिया है। रही बात देश की जनता की बात है, जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली और देश के लोगों से मिलकर उन प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बताते हैं, उनके उनके सेवा के लिए हम संकल्प ले रहे हैं और वही जनता इस बात का जवाब देगी आने वाले चुनाव में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया पर जुड़ने के लिए आदेश गुप्ता जी।